नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली की मांग का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ओपीएस बहाली की मांग को लेकर सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की बड़ी रैली चल रही है। आपको बता दें कि देश भर से काफी तादाद में यहाँ पर शिक्षक कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पेंशन शंखनाद को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में तकरीबन 1 करोड़ लोग अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं, जिन्हें समर्थन देने के लिए दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में या गैर बीजेपी शासित राज्यों ने उसको अपना लिया, लेकिन इस आंदोलन के साथ ये भी आरोप चस्पा है कि कर्मचारियों के मुद्दों को कांग्रेस अपने साथ ले लिए जिससे उसको चुनावी लाभ मिल सके। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। देखिए, इस सरकार को किसी ने मना किया है कि वो कर्मचारियों की बात ना सुने? इस सरकार को पूंजीपतियों की बात सुनने से फुर्सत मिले तो ये किसी और वर्ग की बात सुने? किसानों की बात आप नहीं सुनोगे, मजदूरों की बात आप नहीं सुनोगे, महिलाओं की बात आप नहीं सुनोगे, छात्रों की बात आप नहीं सुनोगे। सरकारी कर्मचारी बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ? तो कांग्रेस इनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और निश्चित तौर पे पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि उनके दिन गिनती के हैं। लेकिन अरविंदर साहब ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि 2042 तक अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा तो आर्थिक तौर पर जो आर्थिक मॉडल है देश का वो बैठ जाएगा और वो इसको वहन नहीं कर सकते। सरकार अपनी मेहरबानी पूंजीपतियों पे कम करे तो बाकी ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये देश की आर्थिक स्थिति को भी समझते हैं और देश के अंदर आर्थिक संचार किस तरीके से होना चाहिए। आप जो है जहां कुछ करोड़ में काम हो सकता है वहां सैकड़ों करोड़ लगा के फंक्शन करने में आप तैयार हैं। आप कहीं पे किसी उद्घाटन की पूजा के लिए यज्ञ कर देते हैं उस पे करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन मुफलिस वर्गों की बात सुनने को आप तैयार नहीं है। क्या माना जाए कि ये आपका चुनावी एजेंडा नहीं, क्योंकि बीजेपी बार बार आरोप चस्पा करते हैं कि कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, कांग्रेस सिर्फ कहती है लागू करने में उसे लेट लतीफी लगती है और ओल्ड पेंशन स्कीम अगर सरकार ने खत्म किया है, न्यू पेंशन स्कीम को लाया है तो वो देश के हित में है, वो आप लोग रेवड़ी जैसा बांट रहे हैं। गरीब आदमी से इनकम टैक्स लेना देश के हित में है और पूंजीपतियों को रियायत देना जो है वो देश के हित में नहीं है। ओल्ड एज पेंशन और इस पेंशन में, ओल्ड एज पेंशन में इनको आयकर से भी एक लिमिट तक छूट थी, आज सर किसी को आयकर लगता है तो ये सिर्फ सारा कुठारा घात जो टैक्स का है वो गरीब लोगों के लिए ही है। तो सरकार को अध्ययन करना पड़ेगा कि ये सरकार किन लोगों की है, तो इसलिए इनकी मांग जायज़ है। कांग्रेस इसलिए इनके साथ है, इसलिए अपनी स्टेटमेंट खड़ी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिसने पूरी उम्र देश के लिए लगा दी हो, देश के स्कूलों में, देश के अस्पतालों में, देश की आर्मी में, देश की आर्म्ड फोर्सेस में, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जो है सरकार और देश चलाने में लगा दियो और उनके रिटायर होने के बाद उनके साथ ऐसी नाइंसाफी, मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से जायज नहीं होती। तो अरविंदर सिंह लवली हैं और बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में है, सरकार पूंजीपतियों पर मेहरबान है, इन कर्मचारियों के हितों का ख्याल अगर वो नहीं रखेगी तो कांग्रेस उसका ख्याल रखेगी। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। आगे थोड़ा सा दिखा देना, बोले दिल्ली के रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया जिसका नाम पेंशन शंखनाद रखा गया। और तस्वीर आप पहले देख लीजिए रामलीला मैदान की कि कितनी बड़ी तादाद में देश के अलग अलग राज्यों के लोग यहां पहुंचे हैं। 18,000 किलोमीटर की यात्रा नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम मूवमेंट जो संगठन है उनके जरिए ये किया गया है और पूरा जो रामलीला मैदान है वो पटा पड़ा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से सरकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आए हैं। और कहा जा रहा है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को नहीं माना गया तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सरकार को मुंह दिखानी पड़ेगी। हमारे साथ ओएमपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संधू साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है और किस तरीके से वो। भाई साहब, एक सवाल पूछा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2003 में खत्म कर दी गई, 2004 से लागू कर दिया गया,
आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि 2042 तक सरकार का दिवालिया हो जाएगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने लागू किया तो। आखिर इसे कैसे मांगेगी जब आरोप ये चस्पा है किस मंच पर आपके आंदोलन में कांग्रेस के नेता ज्यादा शरीक हो रहे हैं और इसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया। देखिए गवर्नर कौन है, इतिहास के विद्यार्थी हैं, हमसे ज्यादा अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं। इतिहास के विद्यार्थी अर्थशास्त्र पढ़ाएगा हमको, हमारे साथ बैठ जाए गवर्नर साहब, खुद पेंशन लेते हैं और हमारे लिए भत्ता बैठ जाएगा, वो वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, अपना छोड़ दे। आरबीआई के गवर्नर कहे मैं पेंशन छोड़ रहा हूँ, आप भी छोड़ो तब हम बात सुनने को तैयार है। आप पेंशन लोगे और हमको शिक्षा दोगे नहीं चलेगा। ये गवर्नर गवर्नर का अर्थशास्त्र नहीं हो, इतिहास का विद्यार्थी है, वो क्या जाने का अर्थशास्त्र। दूसरी बात, ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ हमने किराए पर नहीं लाई है। यहाँ लोग स्वतः अपने से आए हैं, अपने बुढ़ापे की लाठी अपने पेट के लिए। ये किराए के राजनेताओं की भीड़ नहीं है। और यहाँ आज हिंदुस्तान है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सिक्किम की हमारी बहन है प्रेमा, 1000 लोगों को ले गई। सिक्किम हमारा सबसे सुदूर क्षेत्र में है, उसके बाद भी यहाँ लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं गोल्ड पेंशन दो। और नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ जो खुद पेंशन ले रहे हैं वो हमको नैतिकता सिखाएंगे। आप लोगों ने MLA MP सबके घरों के आगे घंटियां भी बजाई इस कार्यक्रम में, तो सवाल है उनका क्या समर्थन है? सिर्फ ये कांग्रेस तक सिमट कर रह गया या गैर बीजेपी शासित? देखिए ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, ये हमारे सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। और हम अपनी हक की आवाज उठाएंगे, जो मेरा समर्थन करेगा हम धन्यवाद दूंगा, हम स्वागत करूंगा। हम तो कहते प्रधानमंत्री जी आज आ जाते, 1 अक्टूबर में पूरा रामलीला है, उनको कई करोड़ रुपए बुलाने में लगता और हिंदुस्तान ना आता, प्रधानमंत्री जी आ जाए, यही ऐलान करें रामलीला में, हम उनका जय जयकार करेंगे। आप पार्टी पार्टी लगा दिए, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हम बोलेंगे जो हमारे साथ देगा उसके साथ रहेंगे। वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री की रेबड़िया बांटने से देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और ओल्ड पेंशन स्कीम को वो या सरकार, मौजूदा सरकार वो रेबड़ी समझ रही है, उससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा खर्च पड़ेगा। सांसद वेतन लेता है रेवड़ी है, पेंशन लेता है रेवड़ी है, वो आवाज भत्ता आना जाना सब फ्री है, वो रेवड़ी नहीं है। आप अपनी सुविधाएं अपना वेतन भत्ता छोड़ करके फिर आप बोलो, इस देश का सबसे ज्यादा अगर रेवड़ी लेता है तो नेता लेता है। कितने हजार रुपए का टेलीफोन बिल लेता है, 300 रुपए में बिल चलता है, 15,000 रुपए का बिल लेता है। हमने जा, ये पढ़े लिखे लोगों के समूह अनपढ़ों का नहीं है, इसको बहकाया नहीं जा सकता। रेवड़ी इस देश का नेता खा रहा हमारे टैक्स के पैसे का और हमारे पेंशन सवाल करा। मैं एक सवाल करता हूँ, आप पेंशन ले रहे हो, देश के अर्सैनिक बलों को पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो? वोट तो यही कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो दौर खत्म हो गया। हिमाचल हमने इसी बोर्ड से बदला है, हमने कर्नाटका इसी से बोर्ड से बदला है, हमने झारखंड इसी बोर्ड से बदला है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऐतिहासिक 312 सीटों पोस्टल वोट जिताने का काम यही लोग किए हैं और 24 में यही बोर्ड की चोट मारेंगे और मोदी जी की जो तानाशाही समझ में आ रही वो पता नहीं चलेगा। और ध्यान रखना, ये तो अभी छोटा सा नजारा है, इसके बाहर 4 गुना लोग हैं और अभी तमाम लोग, करोड़ों लोग कह रहे हैं विजय बंधु ऐलान करो, हम सीधा सीधा वोट के लिए OPS के लिए वोट करेंगे, तय करेंगे, आज यही शपथ दिलाऊंगा। चलिए एक आखिरी सवाल है, आप इस मंच से क्या कोई ऐसा प्लान आप सरकार के पास रख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर लागू कर दे तो सरकार को फायदा क्या होगा आर्थिक तौर पर? ये भी तो जिम्मेदारी। देखिए मैं बता दूं आपको, पुरानी पेंशन व्यवस्था से आर्थिक भार नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और जो लोग बताते हैं उनसे एक सवाल किया करिएगा, 10% हमारा करता है, 14%